कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अल्मीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अल्मीरा। 7 मार्च को यूपी का 7वां चरण यानी अंतिम चरण। अंतिम चरण से मिल रहे रुझान समाजवादी पार्टी के लिए शुभ संकेत है। 9 जिले में 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश का 7वां द्वार तोड़ने के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरा डाले रखा, वहीं अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी जैसे दिग्गजों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बावजूद इसके सांसें सबकी थमी है और सबका भाग्य मतपेटियों में बंद हो चुका है। आखिरी चरण की 54 सीटों का परिणाम तय करेगा कि यूपी की सत्ता किसके पास जाएगी, क्योंकि 6वें चरण तक किसी दल को पूर्ण बहुमत मिलते नहीं दिख रही थी। अंतिम चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोही, जौनपुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी है। वैसे पूर्वांचल का ये इलाका सामाजिक समीकरणों में बहुत ही उलझा हुआ है। राज्य भर मुस्लिम कुर्मी समेत विशेष वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पिछड़े मतदाताओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया था, जिसका नतीजा था कि भाजपा के पक्ष में अच्छा परिणाम भी आया। 54 सीटों में 29 सीटें अकेले भाजपा को मिली, लेकिन इस चुनाव में काफी कुछ बदल गया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है और दोनों मिलकर भाजपा को टक्कर दे रही है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, सरीखे जिलों की कई सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही है। मुस्लिम, यादव और राजभर मतदाताओं के गठजोड़ और पिछड़े मतदाताओं में समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी से भाजपा के पसीने छूटे हुए हैं। भाजपा की परेशानी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डालना पड़ा है। 2017 के चुनाव में वाराणसी की सभी 8 सीटें भाजपा की झोली में गई थी, लेकिन इस बार फिजा बदल चुकी है। वाराणसी के पिंडरा विधानसभा सीट पर जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा में त्रिकोणीय मुकाबला है, तो वहीं वाराणसी के अन्य 7 सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर। कमोबेश यही स्थिति अन्य जिलों की भी है। बहुजन समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में कमजोर होना और मुस्लिम मतदाताओं का लामबंद होना समाजवादी पार्टी की मजबूती का साफ संकेत है। सियासी पंडितों का मानना है कि पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में भाजपा और सपा के बीच जबरदस्त बंटवारा है। इसका भी फायदा समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को मिल सकता है। सपा और उनके सहयोगियों को अंतिम चरण की 54 सीटों में 38 से अधिक सीट पर बढ़त मिल सकती है, क्योंकि सीधी लड़ाई में समाजवादी पार्टी का जातीय समीकरण भाजपा के समीकरण पर हावी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।